चुनौती दे रहे हैं तो हम कहें आइए फरिया लीजिए हमरा से। इतना बुरा उस समय हमको लगा ना भैया कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, पत्रकार को गरिया देने के व्यू के लिए लोग से बड़ा चुतिया कोई है धरती पे आए के डेट में है। इन लोगों के नाम समझावित है, यही ना लोग के समझा रहे हैं कि देख इन्हें बाप चाचा फूफा के। सुनिए कल के बारे में, कल जो ऐसा हुआ था घटना लगातार लगातार वायरल हुआ, कल के बारे में क्या था, कल क्या हुआ था, कल के बारे में प्लीज बताइए मेरे दोस्तों को, क्योंकि लगातार देसी बिहार पर या कई। एक सवाल है समीर जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है देसी बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पे देखिए एक शब्द है डोम कट, ये ट्रेंडिंग में है। हाँ। हम बस एक सवाल करेंगे, जो वीडियो आपका वायरल हुआ था जनमंच के पत्रकार के साथ, क्या वो स्क्रिप्टेड था कि वह आवेश में आपने ऐसा कर दिया था हथम भाई? अच्छा आप तो मेरा ये वाला मीट भी गया है, मान लीजिए देखिए आपको हल्का दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा छिला गया था ठीक है। अब वार्तालाप कर रहे थे तो उनका यहाँ का नाखून था बढ़ा हुआ, बाता बाती में नाखून से ऐसे छिला गया, तो हम उनको ऐसे किए वो भी हमको ढकेले, तो हमको लगा चुनौती दे रहे हैं तो हम कहे आइए फरिया लीजिए हमरा से। इतना बुरा उस समय हमको लगा ना भैया कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के साथ हम ऐसा कर रहे हैं, पत्रकार को गरिया देने के व्यू के लिए लोग से बड़ा चुतिया कोई है धरती पे आए के डेट में है। इन लोगों के नाम समझावित है, यही ना लोग के समझा रहे हैं कि देख इन्हें बाप चाचा फूफा के गाड़ी दे थो मनी में रजवा, ये अपन अब्बा अम्मा खालू के नाम काहे न लेबे थो, चाहे सरस्वती पूजा पे वीडियो काहे न बनल कहो, छठ पूजा में काहे न बनाबो, कट्टर है साला समझे कि नहीं, कट्टर काम करता है, जाति धर्म वाला खेल खेलता है। हम समाजवे के बोले थे कि भैया स्क्रिप्टेड है कि का है, तोरा जे लगी था वा लगे दा, अब रहले बात कि हाथ गोर ना टूट गए माथा ना फट गए त ना लोग के लगता है कि वो मार हो गया भाई केस हो गया, ठीक है बड़ा भाई है हमारे, हम उनको भी देवेंद्र भैया को भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देवेंद्र भैया ने मुझसे बोला कि समीर ये गलत हुआ था, हम भैया को बोले भी कि भैया अगर क्षमा करते हैं तो आपका बरप्पन जेल भेजना चाहते हैं केस करना चाहते हैं तो आपका मन, तो ऐसा थोड़ी होता है समाज में, एक जगह साथ में आदमी उठ बैठ रहा है तो हर बात पे लड़ाई का मतलब केस नहीं होता ठीक है। हम तो इतना दिन से देख रहे हैं कि चर्चा का विषय में लोगों को लग रहा है कि हम TRP कमा रहे हैं, इसीलिए हमको सिविल कोर्ट में जाके केस करना पड़ गया, क्योंकि नहीं करते ना तो लोगों को लगता है कि हम मतलब खाली ढोंग धर रहे हैं खेल रहे हैं, अब देखिए जब टंगाना शुरू होगा ना सब अपने हम जनावे लगेंगे, ये सब अपना खाली TRP लगे हमारा फंसा रहा भैया देखिए समीर भाई आप देखिए समीर भाई देखिए ऐसे जाएंगे तो नहीं होगा, और इधर 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 यानी देखिए कहीं ना भान ऑन हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए वो उसने बता दिया, अच्छा कल जो हुआ था वो क्या था, जो एक पर एक किसी एक व्यक्ति को घेर कर और लगातार मैंने इस तरह का अभद्र क्या बोलते हैं भाषा का प्रयोग करना, वो कल क्या हुआ था, कल के बारे में बताइए। यही लग रहा है कि हमें स्क्रिप्टेड। अच्छा छोड़िए कल के बारे में, कल जो ऐसा हुआ था घटना लगातार लगातार वायरल हुआ, कल के बारे में क्या था, कल क्या हुआ था, कल के बारे में प्लीज बताइए मेरे दोस्तों को, क्योंकि लगातार देसी बिहार पर या कई ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है जिसपे वीडियो वायरल हो रहा है, कल के बारे में बता रहे हैं। देखिए भैया हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को, समाज हमको जो देख रहा है हम वो दिखा रहे हैं, अरे भैया माई बहन जो कर रहा है उसको समझाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो स्क्रिप्टेड था कि नहीं था, सब अपना TRP बटोर रहा। आप देखिए तो मेरा मुद्दा भटक गया, मेरा मुद्दा भटक चुका भैया, आप जो चीज करना चाह रहे लोग नहीं देख रहा। देखिए कल देखिए समीर जी कल क्या हुआ था, कल बता दीजिए कल के बारे में, जो अभी फिर गुस्सा दिला रहे, फिर गुस्सा की बात नहीं है, अरे अंधा थे आप जी, नहीं चला रहा था लेकिन क्लियर अंधा थे आप, क्लियर शूटिंग कर गरी कहा गए थे, हम तो देख रहे थे लेकिन दर्शकों को बता दीजिए कि आखिर क्या था, हम तो देखिए लेकिन जो लगातार कमेंट आ रहे हैं उसके माध्यम से प्लीज बता भैया, हम सब दर्शक के पैर पकड़ के बोल रहे हैं कोई स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं था, कल के बारे में कल के बारे ठीक है, कल वाला स्क्रिप्टेड था यही ना सुनना चाह रहे हैं आप, यही ना सुनना चाह रहे हैं आप, अरे भैया कोई आके मार कर लेगा कोई धार पकड़ लेगा स्क्रिप्टेड रहेगा भैया क्या, ये देख रहे यही लोकतंत्र का चौथा है, सब जगह चाय पिला के पहले स्क्रिप्टिंग बनाया जाता है, अगर समीर चौधरी कर दिया है तो लोग के लग रहा है कि स्क्रिप्टेड था, यहू बोलिएगा कि ये भी स्क्रिप्टेड था, झूठ मूठ के रो रहा था, धन्यवाद। चले तो देख लीजिए दूध का दूध पानी का पानी, समीर चौधरी ने साफ तौर पे कर दिया हुआ जो डोम कच हुआ था, वह जो लड़ाई हुआ था वह रियल था, कोई उसमें स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, टू दी पॉइंट हो गया था, आवेश में वह चीज हो गया था, लगातार देवेंद्र जी भी उसका खंडन कर रहे थे, मगर लोग बोल रहे हैं कि व्यू के लिए स्क्रिप्ट करके इस तरह का इंटरव्यू किया गया था।